This time in Street MBA, I have a very special person. Somebody who studied fine arts, became a chef, always wanted to be an actor, and now is also acting. Mm-hmm. Can you imagine this combination? How many of us as children wanted to do so many things, but in reality, when you grew up, how much could you do? When I met this person, I was so excited, and I have Vishnuji for you, the master chef, the budding actor, and a fine art student. No, let's hear his story, let's learn from him, and let's see how can we make our life different from his experiences and learning from it. Over to Vishnuji. Vishnuji, aap jab padhai ke shuru mein to aapne to fine arts kiya ji, fir achanak chef ban gaye, matlab nahi nahi achanak nahi, dekhiye khane ka shauk ek hota hai, wo khane ka shauk mujhe tha aur mere papa artist the, drawing and painting unka ye tha, to wo वैसे हमारे घर ठीक ठाक था, माने जो घर की परिस्थिति होती है, तो बड़े बचपन से मैं काम पे लग गया कि नहीं अपना ये होना चाहिए। तो सिक्स सेवन्थ में था तो उस समय मैंने एक याराना फिल्म देखी थी, तो उसमें अमिताभ बच्चन एकदम जीरो से हीरो बन जाते हैं। यार लाइफ में ऐसा कुछ तो करना चाहिए, थॉट प्रोसेस चालू हो गई उस समय। औला फेमस होने के लिए, नाम कमाने के लिए एक्टर बनना जरूरी है, ये एक जस्ट बीच में आया। शौक था खाने का, और पिताजी, फिर घर में पैसे की ज़रूरत थी, फिर पिताजी थर्माकोल के लेटर्स काट के देते थे, हम लगाने जाते थे शादी ब्याह में पर्दे पे, तो वो लगाने जाने दो दो एक हिडन एजेंडा ऐसा था कि वो लगाने जाऊंगा, उसके 50 रुपये मिलेंगे, उसके बाद में जो होस्ट होगा आपके जैसा वो बोलेंगे भैया खाना वाना खा के जाइए, तो कुछ लजीज व्यंजन मिल जाएंगे खाने में। तो उस चक्कर में मैंने सेवन्थ एट्थ नाइन्थ ऐसा 3 साल वो काम करते रहा, बट धीरे धीरे उस काम से मेरा लगाव होने लगा। बट मैंने कभी ऐसा नहीं चाहा कि मैं यही काम करूँगा, मेरे को फुल टाइम एक्टर बनना था, एक्टर आर्टिस्ट। टेंथ में ऐसी बात हुई, किसी कैटर से मुलाकात हुई, उसने दो भली बुरी बातें कह दी नाइन्थ में, और कहने लगा कि भैया अभी ये डेकोरेशन का काम मेरे पास नहीं करेंगे आप, आपको करना है तो प्लेट पोछने का काम करिए। और फिर मैं बोला मैं तेरी क्यों पूछूँ, मैं मेरी खुद की पूछूँ, इसलिए कैटरिंग का काम शुरू किया। केटरिंग का काम शुरू किया और दिखने लगा काम, पैसे आने लगे। उसके बाद उसी समय टेंथ के बाद मैंने फिल्म इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था पूना में, और आके देखा कि यहाँ 3 महीने तकरीबन था, माहौल बोला ऐसे नहीं है कि मैं 5 साल यहाँ पे काम करने के बाद अमिताभ बच्चन बन के बाहर जाऊँगा, बट जो काम मैंने शुरू किया है केटरिंग का, वो मुझे कहाँ तो ले जाएगा, इतनी गारंटी मेरे पास। मैं वापस नागपुर गया, केटरिंग का काम शुरू किया। जब काम शुरू किया तब ऐसे पता चला कि भैया जो मेरे यहाँ काम करता है बंदा, तो वो बंदा यदि अड़ जाए, वो चीज़ तो मुझे आती नहीं, तो मैंने सीखना चाहिए। तो फिर मैंने सीखना शुरू किया, कोई खोमचे वाला है उसके पास जाके बैठना, गप्पे लड़ाना, समोसे वाला है उससे बातें निकालना, पाव भाजी वाला है, ऐसे करते 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 ये सारा इकट्ठा किया और आज यहाँ पर हूँ मैं। विष्णु, इतना इंटरेस्टिंग बात है, आपको जान के आश्चर्य होगा कि मैं भी एक कॉलेज में सोचा कि एक्टर बनूंगा। अरे क्या बात है। और मैंने पूना इंस्टीट्यूट फिल्म में अर्जी भेज दी, हाँ। लेकिन डर के मारे फिर फॉलो अप नहीं किया, बोले घर पे क्या बताऊंगा। अरे क्या बात है, सेम केस है अपनी। लेट्स सी व्हाट आर द लर्निंग्स दैट वी हैव हियर। विष्णु, ही स्टार्टेड हिज लाइफ एंड हिज फादर वाज एन आर्टिस्ट एंड ही वांटेड टू बी एन आर्टिस्ट, एंड देन दे रैन थ्रू बैड टाइम्स एंड ही वांटेड टू कंट्रीब्यूट टू हिज फैमिलीज इनकम। He would take the thermocol arts created by his father to different wedding venues to put it there, and his interest was just to get 50 rupees for doing that and get free food with the host would offer him, and that as a small young boy he was super excited just doing that. At the same time he watched the movie and he thought, one day I'll be an actor and that is the way I can get name and fame. Now these thoughts are in his mind. He continues his job till someday one caterer insults him and says, with you I'll not do this work, if you want to make something for yourself go wash dishes. And he said, if I have to wash your dishes I better wash mine, and that is how he started catering. See, one small incident in life becomes a turning point, the sense of pride that one has on whole capabilities, on the way it can be done, transforms a person.
to the next level. He starts his own catering services, and that time he still applies to Pune Institute for Film and Technology, and he comes here. And he sees that, no, 5 years if I do this, I'm not going to become Amitabh Bachchan, is what he realizes, but I will miss being a good caterer and a good chef. And he goes back to his business. Now, the second learning here. With people he's working, he has no clue of what they do. And his biggest worry is, if someday they are going to threaten him and say, we walk away, how can he run his business? He said, in the business I am in, I should understand and learn it well, so that if need be, I can demonstrate, show and help my people do something better. He starts going to street food vendors, sits with them day in and day out, starts picking the art of making fine food from different vendors who are his masters. Again, street MBA at play. He picks it up on the street and sets up his catering services, and the surprise is he becomes one of the best chefs that this part of the country has seen. He runs TV shows, he teaches people, runs YouTube videos, and people are crazy to see how he picks up and makes such good food. Phir Vishnuji, matlab wahan se itna bada celebrity chef ab kaise bane? First of all, I must thankful to that person who says me ki aapko plate ghasna padega, jo bhi hai, to usi ko dhanyawad dena chahiye maine ki unhon aise nahi kaha tha, to wo jagta nahi tha main. Ji, baat ye thi. Aur phir man mein kahi to tha कि अरे यार, जब मैं ड्रामा देखने जाता था, मूवी देखने, यार मेरे को ये करना था. एक होता ना लाइफ में कि नहीं माला ही करा है, मेरे को ये करना है, तो वो जो था वो कहीं ना कहीं ऑलवेज इसमें चलता था. बट बीइंग अ आर्टिस्ट, मेरा जो प्रेजेंटेशन है खाने का, फूड का, वो सब आर्टिस्टिक था, हटके देन अदर कैटरर्स, सो दैट कहीं ना कहीं वो मार्किंग होने लगा लोगों में. तो फिर कहीं एक बार एक किसी क्लब में गए तो उन्होंने कहा कि ये किसने बनाया खाना, आपका कौन शेफ है? तो बोला शेफ नहीं, मैंने ही ये रेसिपीज ढूंढ के निकाली है. तो बोले आप हमारे लेडीज को सिखाइए. तो पहले तो डरता था मैं, बहुत डरता था, ऐसे छोटा तो बैक बेंचर्स था. सेम टाइम मैंने कॉलेज शुरू कर दिया था, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स. तो एक दो चार महीने के बाद फिर उन्होंने बहुत ज़बरदस्ती किया, जब मैंने वो शो किया उनके लिए. शो जब किया तो अपने आप को पता चलता है कि नहीं भैया, मेरी रेसिपीज तो अच्छी है और मैं जिस हिसाब से बता रहा हूँ लोगों को, उनको भी बहुत अच्छा लग रहा है. फिर एक शो, दूसरा शो, तीसरा शो, और फिर बाद में पता चला कि भैया शो के कारण भी मैं ज़्यादा फेमस हो रहा हूँ इनटू नागपुर ओनली. ठीक है, तो फिर मैं बोला ये भी एक जरिया है कि जिससे मैं फिल्म वालों के पास पहुँच सकता हूँ. फिर पहले लोकल चैनल, फिर धीरे से एक किताब निकाली मैंने, देन नेशनल चैनल में गया. फिर धीरे से 2003 में ईटीवी आया था, उस समय फिर उसके साथ जो जुड़ गया, 15 साल एक ही शो किया. फिर ईटीवी के कारण मेरी दुनिया बदल गई, लोग जानने लगे, पहचानने लगे, और फिर आज जो हूँ तो बिकॉज ऑफ टेलीविजन शो और मेरे हाथ का जो भी कला डेवलप हुआ, एंड सिनेमा वाले इन बिटवीन मिले मुझे, और फिर वो लिंक लग गया. तो मेरा कहना ये है कि आप एक बार ठान लो कि मैंने ये बनना है, इस मुकाम तक जाना है, करना ही है, तो वो चीज़ होती है. चारों दिशा हमारे कहती तथास्तु तथास्तु, इसलिए हमेशा अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, तो आप उस मुकाम तक जाओगे, ये मेरा खुद का मानना है. He learned all the various things, and this reminds me of Steve Jobs' speech, where Steve Jobs says that looking back in his life, if he connects the dots which at that time seemed irrational, he can define what he is today. Something similar, Vishnuji says ki his love for art and his love for cooking, when he blended together, he could create something which was exceptionally good. And then this one local club asked him to start teaching his ladies. He was very scared in his heart and he felt, how can I do this? But after a lot of effort and convincing, when he started doing it, he realized that his work is good, is get recognized, and then he thought, why should I not make it big? And that's how he enters in television and then gets to ETV. 15 years he runs a show on cookery, and his hidden desire of being an actor still remains. Phir kaisa actor kaise ban gaya Vishnuji? Phir dekhiye, in logon se mulaqat to ho gayi. और फिर इन बिटवीन क्या हुआ कि मैं काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स में अपने ही बोला, जिस फील्ड में मैं काम करता हूँ उसमें एक और कड़ी ऊपर जाना चाहिए. फिर दुनिया का सबसे बड़ा पराठा 5 फीट बाय 5 फीट का, वो क्या होता है मैं बताया कि छोटे पर बचपन में जब चूल्हा है ना कि मेरे को फेमस होना है, तो फिर आदमी ढूंढता है रस्ते. घर वालों के जो संस्कार है वो अच्छे थे, अच्छे हैं, तो अच्छा मार्च मैंने चुना. और फिर जैसे पराठा बनाया, फिर मैंने एक मुतब्बल नाम की रेसिपी है,
जो बैगन से बनती है, मिडल ईस्ट में काफ़ी प्रचलित है। और मैं ऑलमोस्ट कई जगहों वर्ल्ड में घूमता हूँ, तो जब मैं अमेरिका गया, जब चाइना गया, तो मुतबर सब दूर मिलता है। मैं हमारा बैगन का भरता क्यों नहीं मिलता, हालांकि बैगन का भरता ज़्यादा अच्छा है उससे, मैं कहूँगा। तो फिर उस भरते को वर्ल्ड लेवल पे ले जाना, इसलिए मैंने तय किया कि इतना बड़ा भरता बनाएंगे हम कि दुनिया देख लेगी और उसका नाम दर्ज होगा वर्ल्ड की किताब में। और फिर मैं गया जलगांव। जलगांव जो है तो बैगन का गढ़ है, बहुत अच्छे बैगन वहाँ मिलते हैं, वहाँ का जलगांव का बैगन भरता बड़ा फेमस है। तो जलगांव जाके मैं 4000 किलो बैगन का भरता बनाया एक ही कढ़ाई में। आप उसको देख सकते हैं यूट्यूब में, गूगल में डालिए, बिगेस्ट बैगन का भरता। और फिर वो एक चस्का लगा। फिर दिल्ली गया, जंतर मंतर, वहाँ पे समरसता खिचड़ी बनाई 5000 किलो की। हाँ, कि वहाँ के गरीब घरों से दाल चावल इकट्ठा करके वो खिचड़ी बनाई, उन्हीं को बांट दिया। तो ऐसे ऐसे मैं करते गया। और ये 15 साल का जो जर्नी है, तो काफ़ी सारे मराठी एक्टर्स साथ में आए। पूना में जब मैंने विष्णु जी की रसोई खोला, तो पूना रसोई के सामने 3-4 स्टूडियोज है, तो मराठी खाना ढूंढते ढूंढते मराठी के साथ हिंदी लोग भी आने लगे और ये सारी फिल्म इंडस्ट्री जुड़ गई साथ में। और फिर चूल तो थी दिमाग में, तो बंदा था ही था। तो हाँ, एक एक मिल गया, फिर किसी ने ऑफर दिया, तो फिर वो शुरू हो गया और आज ये हाल है। टू यूनिक थिंग्स। फर्स्ट, व्हेन ही ट्रैवल्स द वर्ल्ड, ही सीज अ डिश ऑफ बैगन, नो, व्हिच इज कॉल्ड हियर अ मिडिल ईस्ट डिश, एंड ही सॉ इट टू बी सो पॉपुलर। ही सेड, व्हाई कांट आवर ओन बैगन या भरता बिकम सो पॉपुलर एज दिस डिश। ही मेक्स अ प्रॉमिस टू हिमसेल्फ that I will do this. He comes back to India, goes to Jalgaon, takes cages and cages of baigan and prepares the biggest baigan paratha in the world, which is on YouTube, to make it popular. He makes the biggest paratha, and then he makes food for 5,000 people, no, to ensure that he demonstrates that Indian cuisine has its own caliber and potential on the world stage. And then when he sets up a restaurant in Pune, he has the actors coming over to have food there, because they were looking for good Marathi and Indian food. And that's how his desire to become an actor ensure that while he spoke to them, they got convinced that he can become an actor. And now he's already done 3 movies. The third one is coming, one of the biggest blockbusters, Marathi, in which he's acting here. The lesson for us, if you have a desire, it doesn't matter how small or big it is. It doesn't matter what the circumstances are. If you have the desire, you have the competence, and you do good what you're in, one day you will get there. That's Vishnuji for us. Amazing story of this young boy who wanted to be an actor, became a chef, broke world records, did TV shows just because somebody told him, wash my dishes, I don't want to hear. So much to learn. Thank you, Vishnuji. Thank you. As usual, yes. A great time talking to you, and yes, great fun. Thank you. Same.